हेयरवेल के दौरान क्रेजी हुए विराट, यूं डांस करते हुए की मस्ती। आशीष नेहरा ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ सीरीज का पहला T20 मैच खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही नेहरा का 18 साल लंबा क्रिकेट करियर भी खत्म हो गया। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया ने नेहरा को शानदार विदाई दी। नेहरा के फेयरवेल को लेकर सभी प्लेयर्स काफी एक्साइटेड दिखे। मैच में भारत की ओर से पहला और आखिरी ओवर आशीष नेहरा ने ही फेंका। उन्होंने 4 ओवर बॉलिंग की जिसमें 29 रन दिए। हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। नेहरा को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्हें 2 विकेट मिलते मिलते जरूर रह गए। 2 बार उनकी बॉल पर फील्डर्स ने कैच छोड़े। आशीष की बॉल पर पहला कैच हार्दिक पंड्या ने 2.5 ओवर में कोलिन मुनरो का छोड़ा। तब मुनरो 5 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद 7.4 ओवर में विराट कोहली ने नेहरा की बॉल पर केन विलियमसन का कैच छोड़ा। उस वक्त विलियमसन 21 रन पर खेल रहे थे। फेयरवेल में विराट ने किया डांस। इंडियन क्रिकेट में दिए योगदान के लिए मैच शुरू होने से पहले नेहरा का सम्मान किया गया। मैच से पहले धोनी और विराट ने उन्हें एक ट्रॉफी देकर उनका सम्मान किया। इसके अलावा मैच खत्म होने के बाद नेहरा ने टीम के बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर ग्राउंड का राउंड लगाया। इस दौरान वे सबसे आगे चल रहे थे और हाथ हिलाकर घरेलू दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे। वहीं बाद में विराट और धवन ने उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया और स्टेडियम घुमाया। टीम के सभी प्लेयर्स ने नेहरा की विदाई को यादगार बनाने के लिए उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी लिया। इस मैच को देखने के लिए नेहरा की वाइफ हरुष्मा और दोनों बच्चों के अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स भी स्टेडियम में मौजूद रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।